वसवसों से इंसान क्या छुटकारा पा सकता है? नहीं पा सकता। वसवसों से इंसान छुटकारा पा सकता है नहीं पा सकता। या इनके वैसे साथ कोई जाना चाहिए? आपको क्या लगता है होती है? वसवसा ईमान की निशानी है या निफाक की निशानी? वसवसा मेरे हिसाब नहीं से नहीं ठीक है। ईमान अब बैठे में क्या की निशानी है, मेरी नजर में तो वसवसा आएगा ही उसको जो ईमान में एक्सेल कर रहा है। क्योंकि जब आप उसको वसवसा आपने पहचान लिया कि ये वसवसा है। हाँ एक तो ये बात हो गई कि चल आपने फर्क कर लिया, ईमान ही फर्क करेगा हाँ, उसको। ईमान ही फर्क करेगा ना कि ये हाँ वसवसा है, ये हाँ कोई सही थॉट नहीं है, हाँ क्योंकि नेगेटिव चलें ये तो आपकी जेब स्टेटमेंट से हो गया, लेकिन दूसरी जेब से जो आ रहा है आपको, दूसरी जेब से जो आपको आ रहा है वसवसा, शैतान क्यों वसवसा डाल रहा है? इसका मतलब है आपको इंपॉर्टेंट चीज है ना, आपके ईमान की कोई हैसियत बन रही है तो अब आ रहा है ना। ऑब्स्ट्रक्शन सही रास्ता हाँ दिया है। अलका शैतानु फी उम्नियति ही हो जाए या इन्ना शयातीना ले होना इला औलियाएहिम, मतलब ये जो शैतान इल्का करता है इसलिए क्योंकि वो आपकी पेस रोकना चाह रहा है। दोनों लिहाज से मेरे ख्याल से वसवसा आइडेंटिफाई करना भी ईमान की निशानी है। सही बात इल्म, इल्म से वसवसा पकड़ेगा और वसवसे को हैंडल करना, शैतान का देना इसका ओरिजिन सोर्स, वो भी निशानी है कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो शैतान आपको वसवसे दे रहे हैं। मेरे ख्याल से इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। वसवसे को पकड़ के उसको अकीदे में डाल के नजरिया बना के थॉट ही बना ले, शक हो जाए। ये शक शुबहात है, ये ठीक नहीं है मेरे ख्याल से।